तो हमारे पास सबसे पहले हम एक्सेल को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल की तरह से। हालांकि एक्सेल आप लोग यूज करते हैं, उसके बारे में जान रहे हैं तो आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो कि बताना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे कि एक्सेल है क्या। बोले सर एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, लेकिन वो है क्या? इसको हम बोल सकते हैं एक्सेल जस्ट लाइक ए स्प्रेडशीट, मतलब कि जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। जब कंप्यूटर नहीं था तो एक्सेल का सारा काम कहां से होता था? एक्सेल का सारा काम होता था ये मोटे मोटे रजिस्टर से। एक्सेल में जो चीजें हम रखते हैं, जो चीजें करते हैं, वो सारी चीजें हम मोटी मोटी रजिस्टर से करते थे। जैसे कि स्कूल्स में आपके टीचर के पास अटेंडेंस रजिस्टर हुआ करता था, तो एक समझिए कि उसी उसी बड़े बड़े रजिस्टर को डिजिटली यहां पे ला दिया है। तो क्या क्या कर सकते हैं एक्सेल में हम? तो देखिए, इसमें हम कुछ चीजें फाइंड आउट किए हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। डेटा एंट्री, किसी तरह के डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट, डेटा को एंट्री करके उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अकाउंटिंग, आप अपनी पूरी की पूरी अकाउंटिंग एक्सेल में कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस, अगर आपकी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज है या फिर फाइनेंशियल कुछ डेटा है, उसकी एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। चार्ट और ग्राफ के जरिए आप विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के जरिए कुछ नई चीज डेवलप कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं, सीआरएम की तरह जो कुछ चीजें बना सकते हैं, या ऑलमोस्ट वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने चार मेन जो है यूजेस निकाले। सबसे पहला डेटा स्टोरेज। लेकिन अब मैं बता दूं कि हम डेटा एक्सेल में स्टोर करते हैं, लेकिन एक्सेल को एज ए डेटाबेस नहीं रखते। डेटाबेस ना रखने के पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है लिमिटेशन, मतलब एक्सेल के अंदर 10 लाख रो एंड 16,000 समथिंग कॉलम्स होते हैं। करने को 10 लाख रो है, लेकिन जैसे ही आपका लाख 1.5 लाख से ऊपर का डेटा जाएगा, एक्सेल का परफॉर्मेंस उतना ही गिरता जाएगा। बार बार आपकी फाइलें करप्ट हो सकती है, फाइल को कोई इजिली डिलीट कर सकता है, या फिर इसकी सिक्योरिटी। बोले सिक्योरिटी तो ठीक है, लेकिन इतनी ठीक है ना कि एक बार आप पासवर्ड भूल गए तो फिर पासवर्ड भूल जाइए, फाइल भूल जाइए। मतलब मान लीजिए कि मैंने शीट में प्रोटेक्ट शीट जाके यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद अगर हम पासवर्ड भूल गए तो फिर किसी भी तरीके से हम इस फाइल को नहीं खोल सकते, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का कहना है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि पासवर्ड को खोल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपने अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया है, जैसे कि 15-16 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक ऐसी चीजें डाल दी है, तो फिर आप कोई और सॉफ्टवेयर भी उसको नहीं खोल पाएगा। इसलिए हम इसको डेटाबेस नहीं बना सकते। अब क्वेश्चन आता है कि जब एक्सेल को डेटाबेस नहीं बना सकते तो इसमें हम स्टोर क्या करें? इसमें हम तीन तरह का डेटा स्टोर करेंगे। पहला मिसलेनियस डेटा। मिसलेनियस डेटा, जैसे मान लीजिए कि आप पेरोल सॉफ्टवेयर है आपका, फिर भी आप अटेंडेंस एक्सेल पर रखेंगे। एक्सेल को ऑटोमेट, अटेंडेंस को ऑटोमेट करना मुश्किल है। आप बोले सर मैं एक्सेस आपके एक्सेस कार्ड से या थंब से अटेंडेंस कर देता हूं, लेकिन सारे लोगों को नहीं कर पाएंगे। नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो फील्ड में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए उसका, मान लीजिए कि वो गुड़गांव में काम करता है और उसको वापस साउथ दिल्ली में आना, और साउथ दिल्ली में उसका घर है, तो क्या वो क्लाइंट से मिलने के लिए पहले ऑफिस जाएगा, फिर ऑफिस से वापस अटेंडेंस लगा के फिर वापस क्लाइंट के पास आएगा? ये चीजें नहीं कर सकता। अगर करता है तो काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए हम अटेंडेंस को मेंटेन ऑटोमेट नहीं कर सकते। इसके अलावा पेटी कैश, जैसे मान लीजिए कि आप टैली यूज करते हैं, सैफी को यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए, लेकिन जो छोटे मोटे ऑफिस के खर्चे हैं, जैसे कि 5 रुपए की फोटो स्टेट हो गई, 10 रुपए के चाय हो गया, 100 रुपए का किसी को आपने किराया दिया, कन्वेंस दिया, तो ऐसी एंट्री के लिए आप सैप में या फिर आप टैली में अलग अलग तरह के लेजर्स नहीं बना सकते ना। लेकिन उसका हिसाब किताब तो रखना है, क्योंकि महीने का 10-15 हजार से ऊपर खर्चा होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उसको एक्सेल में स्टोर करके रखते हैं। तो मिसलेनियस डेटा, ऐसा डेटा जो कि मेरा जो डेटाबेस है उसमें उसको नहीं रख सकते, टेम्पररी डेटा है, मिसलेनियस डेटा है, या फिर उतना काम का डेटा नहीं है, ऐसे डेटा को हम एक्सेल पर रखते हैं। दूसरा आता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस।
ऐसे छोटे मोटे उद्यमी जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि उनको डेटाबेस चाहिए, अब एसक्यूएल, ओरेकल और क्या बोलते हैं सैप जैसे डेटाबेस को अगर कोई लेगा तो पूरा सर्वर बैठाना होगा, फिर ऑपरेटर, डेटाबेस मेंटेनेंस, बहुत सारे आदमी हायर करना पड़ेगा। अब किसी के पास इस तरह का काम है तभी करेगा, नहीं है तो वो एक्सेल पे ही काम चला। उसके बाद आता है एनालिटिक्स डेटा, मतलब कि किसी चीज को अगर आप एनालाइज करना है आपको तो उसका डेटा रखना पड़ेगा ना। जैसे एग्जाम्पल में मैं एक खोल रहा हूँ सॉफ्ट, एक फाइल दिखा रहा हूँ, देख आप दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि मुझे ये रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को बनाने के लिए जैसे 2020 और 21 का बना है, 2022 का मुझे बनाना है, तो 2022 का डेटा मेरे सॉफ्टवेयर पर है, तो पहले 2022 का डेटा उस सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड करके हम उसको एक्सेल पर रखेंगे, देन उसके बाद इसकी डैशबोर्ड तैयार करेंगे। क्योंकि क्योंकि ये जो डैशबोर्ड है डायनेमिक डैशबोर्ड है, मतलब कि ये मेरे डेटा से लिंक है। जैसे मैंने आर्ट को क्लिक किया तो ये सिर्फ आर्ट का डेटा ही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी डेटा को हाइड कर दे रहा है। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है आपको बनाने के लिए आपको डेटा को तो एक्सेल पे होल्ड करना पड़ेगा, एक्सेल पे होल्ड करना पड़ेगा। तो हमने बात की कि हम एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं, हम एक्सेल पे डेटा को स्टोर करते हैं किस तरह, किस डेटा को, मिसलेनियस डेटा, एसएमई एंड एनालिटिक्स डेटा। अब आता है दूसरा, कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन के लिए एक्सेल सबसे परफेक्ट सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शीट है, इस शीट के अंदर देख सकते हैं कि मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, हमने यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज निकाला है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिया और हमने बोला लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, और यहाँ पे मेरे पास इसका आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक सेल को दूसरे सेल से कैलकुलेट, आप पावर बीआई में चले जाइए, आप टैबलू में चले जाइए या और भी जो सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल वगैरह उस पर चले जाइए, वहां आपको जो है फिल टू फिल के कैलकुलेशन मिलते हैं, एक फील्ड से दूसरे फील्ड कैलकुलेशन करने को मिलते हैं। बट यहां हम सेल से सेल कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां पे बहुत सारे आपके पास फॉर्मूले अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। जैसे अभी भी मैं आपके डैशबोर्ड पर दिखाया, उसी तरह के और भी बहुत सारे डैशबोर्ड हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक और डैशबोर्ड खोलता हूँ जो मैं पढ़ाऊंगा आपको 22वें दिन। तो 22वें दिन हम इस डेटा को इस तरह के डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना आपको सिखाएं। अब इसमें क्या है कि अब ये डायनेमिक है, मान लीजिए इसी चीज को हम पावर पॉइंट पे प्रेजेंट करेंगे तो जितना महीना है उसके अलग अलग स्लाइड बनाने पड़ेंगे, फिर उस महीने और उस साल के अलग अलग दे सकते हैं। 4 साल का डेटा है, 12 महीना का, तो 48 PPT आपको तैयार करना पड़ता है अगर आप मंथली रिपोर्ट्स बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कस्टमर्स के, बट यहाँ पे सिंपली हमने मंथ पे क्लिक किया और मेरा पूरा रिपोर्ट मंथ के अकॉर्डिंग क्रिएट हो, पूरा रिपोर्ट मंथ के अकॉर्डिंग क्रिएट हो। मान लीजिए मैं 2023 का डेटा देखना चाहता हूँ या 2021 का डेटा देखना चाहता हूँ, तो क्लिक करते पूरा डेटा 2021 के अकॉर्डिंग आपका कन्वर्ट। मुझे 2021 में मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट क्वार्टर का चाहिए, जैसे मुझे मार्च चाहिए, जैन फेब मार्च, जैन कंट्रोल के साथ हम तीनों को सिलेक्ट कर लें। तो यहां देखिए 2021 के जैन फेब मार्च, जस्ट क्लिक करने के से ही हमारा रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह की जो एनालिसिस या रिप्रेजेंटेशन है हम एक्सेल में करेंगे, वो भी इजीली तरीके से। तीसरा है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
डेटा शेयर कर, किसी भी रिपोर्ट को आपको भेज पाना, आप इसको जो आप देख सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर डेटा भेजना इंपॉर्टेंट है सर, देखिए क्या है कि मान लीजिए कि हम जो डैशबोर्ड दिखाए हैं इसी तरह का और भी अच्छे डैशबोर्ड्स हम इजीली पावर बीआई में बना, पर प्रॉब्लम ये है कि पावर बीआई अभी इतना पॉपुलर नहीं है और हर किसी के सिस्टम में नहीं। पर माइक्रोसॉफ्ट खुद कहता है कि पावर बीआई कॉर्पोरेट्स के लिए है ना कि एक इंडिविजुअल के लिए। अब आपको बॉस को एक रिपोर्ट भेजना है पावर बीआई में बनाया गया आपने भेज दिया, अब आपकी एक रिपोर्ट को देखने के लिए और 400 MB या 500 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा आपका रिपोर्ट थोड़ी देखेगा। हाँ आपके ऑफिस में सबके पास है तो ठीक है, लेकिन आपके ऑफिस में सबके पास नहीं है वो तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेल में डेटा अगर है किसी को भेजते हैं तो हर कोई उस फाइल को खोल सके, खोल ले, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास एक्सेल है। जिसके पास एक्सेल नहीं है तो एक्सेल का सब्स्टिट्यूट जैसे ओपन आरजी, सिम्फनी, लोटस या फिर गूगल शीट तो है, गूगल शीट के जरिए भी खोल सकता है सिंपली। ठीक है, तो अगर आप किसी से आप बात करेंगे या कोई आपसे पूछेगा या आपने नॉलेज के लिए सिंपल से जान लीजिए कि हम एक्सेल का यूज करते हैं, मैं सिंपली बोल सकते हैं कि वी कैन यूज द एक्सेल फॉर एनालाइज द डेटा, कैलकुलेट द डेटा, रिप्रेजेंट द डेटा एंड स्टोर द डेटा एंड शेयर द डेटा, शेयर द डेटा, कैलकुलेट द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड स्टोर द डेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो मैं नया एक्सेल आपको एक्सेल 2021 आपको सिखाऊंगा उसमें नया क्या क्या है। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो ठीक है, अगर बोलेंगे नहीं मेरे पास तो पुराना 2013 और 16 वगैरह है, तो इसमें बता दूं कि ये सारे फीचर्स जो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल नया है। अभी लिंक ये फाइल मैं आपको क्लास के बाद दे दूंगा, इस फाइल को आपको पढ़ के आराम से इसको बैठ कर पढ़ लीजिए। देखिए इसमें बता दूं कि नए-नए फीचर आए, ऐसे एक्स लुकअप का फॉर्मूला आया है, इसके अंदर आपको किसी इमेज से डेटा, पिक्चर से डेटा को इंपोर्ट करने का ऑप्शन आया है, इसमें आपको पावर क्यूरी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बताएंगे आपको पावर क्यूरी आप इसमें ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें करेंसीज वगैरह, डेटा टाइप्स वगैरह हैं, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जो स्टॉक मार्केट वगैरह में यूज करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एआई सिस्टम आया है यहाँ पे एनालाइज द डेटा, और इसके अलावा फॉर्मूले भी बहुत सारे, लैम्डा फॉर्मूला, एक्स लुकअप फॉर्मूला, सिक्वेंस फॉर्मूला, ये चीजें आई जो कि हम आपके साथ मोस्टली चीजें डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्लासेस अगर कर लेते हैं तो किस किस तरह की रिपोर्ट हम बना सकेंगे। देखिए कुछ सैंपल रिपोर्ट्स तो मैंने यहाँ पे डाला हो, जैसे ये देख पा रहे हैं हमने सैंपल, इसमें से कुछ रिपोर्ट तो मैंने बनाई भी है और कुछ रिपोर्ट मैं आपके साथ बनाऊंगा, देख सकते हैं ये सब रिपोर्ट्स हम आपके साथ, ये सब रिपोर्ट्स आपके साथ बनाएंगे। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आप क्लास के बाद आराम से बना सकते हैं, इसके लिए ज्यादा आपको मतलब कि एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजिली सिंपली क्या बोलते हैं उसको मक्खन की तरह बना सकते हैं आराम से। अब बात आती है जॉब कि मार्केट में सिलेक्टेड जॉब क्या है। देखिए जॉब के लिए अब मैं सब कुछ बताता हूं कि अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं अच्छी चीज ही बताऊंगा, लेकिन जॉब के बारे में सही इंफॉर्मेशन आपको naukri.com, मोनेस्टर, साइन, लिंक्डइन जैसे जो जॉब प्रोवाइडर्स पोर्टल्स है वहां पे सही मिलेगा। तो आप ऐसे जो जॉब पोर्टल साइट है उससे वहां पे जाके जो जॉब आप करना चाहते हैं वो आप सर्च करें और देखिए उसमें क्या क्या मांगता है।
फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करें, और साथ ये भी देखें कि कितने साल का एक्सपीरियंस मांगता है, पैकेज क्या दे रहा है, लोकेशन क्या क्या है, वर्क फ्रॉम होम है या कि जाना पड़ता है, और 6 डे है या 5 डे है। ये चीज फिर भी मैंने कुछ साइट्स को मैंने कुछ चीजों को मैंने एनालाइज करके कुछ जॉब के कटआउट्स मैंने निकाले हैं, आप देख सकते हैं। आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि ईकॉम शिपिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 2.5 लाख का एन पर एनम सैलरी दे रही है। उसके अलावा यहाँ देखिए हमारे एग्जीक्यूटिव का है, सैलरीज ने डिस्क्लोज नहीं किया बट लखनऊ का है। यहाँ पे देखिए WTM जो है मुंबई की है, मुंबई और नवी मुंबई में इसका यूज करती है। इसकी पैकेज आप देख सकते हैं, अगर VBA एक्सेल पे कमांड आपकी है तो 9 से 11 लाख का पैकेज है। उसी तरह से आपको यहाँ पे कम पैकेज की भी सैलरी मिलेगी, लेकिन कम पैकेज में क्या है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको कम, एक्सपीरियंस कम है तो कम पैकेज, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पैकेज आराम से 6 से 10 लाख का पैकेज, 10 से 11 लाख का पैकेज आराम से आपको मिल जाए। बट पैकेज और कितना मिल सकता है वो डिपेंड करता है लोकेशन, डिपेंड करता है आपकी नॉलेज, आपकी कंपनी। अब ऐसे कंपनी में आप जॉब देने के लिए जाओगे जिसकी मैनेजर की सैलरी 25,000 है, वो आपको थोड़ी आपको जो है 40,000 50,000 सैलरी दे देंगे। अच्छा कंपनी जो होती है, ठीक है, ओके। अब आप लोगों के पास कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, गौरव जी, दर्श जी एंड लखी जी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक तो क्लियर है, कोई मन में विचार उमड़ रहा हो तो आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, नहीं, प्रॉब्लम। नहीं। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, क्योंकि सीखने के लिए हमें क्या चाहिए। देखिए सीखने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए टाइम। क्या चाहिए? टाइम। अगर आप क्लास लेने के मूड में हैं, अगर पहली क्लास है, आप ऐसे डेमो ज्वाइन किए हैं, लेकिन फिर भी बता दूं कि आप अगर हमारे साथ ज्वाइन करने के मूड में हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम है, घंटा 2 घंटा 5 घंटा 7 घंटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ कम से कम घंटा से 2 घंटा आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, हमने होमवर्क आपका नहीं किया सर, बहुत ज्यादा ऑफिस में काम था वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए तो ऑफिस में काम तो लगा रहेगा, और मैं तो आशा करूंगा कि पूरी ऑफिस में काम आप ही को मिल जाए और पूरा ऑफिस की सैलरी आप ही को मिले। और काम है लेकिन तो नौकरी सलामत है, ऑफिस में काम नहीं रहेगा तो ऑफिस में बैठा देगा आपको कितना दिन पैसा रहा, क्या सर? लेकिन उसके बाद भी टाइम हो चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं सर मैं ऑफिस में दिन भर एक्सेल पे ही काम करता हूं। मैं बात समझ सकता हूं कि आप दिन भर एक्सेल पे काम करते हो, लेकिन इससे पहले भी तो आप दिन भर एक्सेल पे ही काम करते थे ना। अगर एक्सेल पे काम करने से आपको अगर सब कुछ आ जाए तो आप अभी तक आपको ज्ञाता हो जाना चाहिए था क्या? सही लेकिन क्या है दिक्कत, क्या है कि ऑफिस में आपको जितना जरूरत पड़ता है ना आप उतना ही काम करते हैं, उतना ही चीजें यूज करते हैं, आप पूरी तरह से सब कुछ यूज नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए आपको मेरी क्लासेस, मेरी स्टेप्स को प्रैक्टिस करने का टाइम होना चाहिए। दूसरा बात आती है कि पढ़ने का, मतलब क्लास लेने का और पढ़ने का क्या सिस्टम है। देखिए सिस्टम सिंपल है, सबसे पहले है आपको क्लास लेना, फिर क्लास की वीडियो को देखते हुए जो मैंने स्टेप किया उसको रिपीट करना। उसके बाद उन जो चीज मैंने पढ़ाया है, जो चीजें मैंने बताया है, वो सब कुछ समझ में आ गया, उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करना और कुछ नए टॉपिक खोजने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको इफ फॉर्मूला पढ़ाया, इफ फॉर्मूले के मैंने 5 एग्जाम्पल आपको बताए,
आप, मैं रिक्वेस्ट किया था, चलो दो एग्जाम्पल और आपको मैंने बता दिया, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको ऑफिस में बस 7 एग्जाम्पल थोड़ी आएंगे, 700 भी आ सकते हैं ना। तो अब आपको क्या काम है कि जब आपकी प्रैक्टिस खत्म हो गई तो आप सबसे पहले गूगल पे इस फॉर्मूला को सर्च करोगे, जितना हो सके उतने वेबसाइट को ढूंढिएगा और उसमें से एग्जाम्पल निकालिएगा। एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और मुझसे क्लास में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस करते समय ही मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। बड़ी प्रॉब्लम है, डायरी में नोट कर लीजिए, क्लास शुरू होने से पहले या क्लास शुरू होने के बाद आपसे डिस्कस करो। ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं आप अटक जाते हैं, तो अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं फोन नहीं उठाया, हो सकता है मैं क्लास में हूं फोन नहीं उठाया, तो आप इजिली मुझे ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पे या स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे मुझे दे दीजिए, मैं जैसे आपकी व्हाट्सएप देखूंगा हम आपको उसकी सॉल्यूशन रिप्लाई कर दूं, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, हर क्लास की वीडियोज आपकी क्लास के बाद आपके पास पहुंच जाएगी। वीडियोज आपको जनरली व्हाट्सएप नहीं तो लिंक बनाकर आपको दे दूंगा, जिसको डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में रख लीजिए। कभी ऐसा हो सकता है कि आप क्लास ज्वाइन ना करें किसी कारण से, तो उस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको भी मिल जाएगी, क्लास ज्वाइन करें ना करें आपको रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी व्हाट्सएप। और रिकॉर्डिंग से भी समझ में नहीं आया, उसके अलावा कोई डाउट है तो अगली क्लास में आइए, हम आपकी डाउट क्लियर कर देंगे, या फिर वीकेंड में सैटरडे एंड संडे आपके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दें। अब इसके बाद आती है कि प्रिपरेशन और लर्निंग में एक और इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। आप बोलेंगे सर आपने शुरुआत में बोला कि मैं आपको जीरो लेके चलता हूं, बात सही है जीरो लेके चलता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि चीज जो जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं या जो मोटे मोटे टॉपिक्स है उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रहेगी जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, वो आपको चीजें जल्दी समझ में आए। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से पहुंचेगी, तो इसके लिए भी मेरे पास सिस्टम है। मैं अभी आपको एक वीडियो फाइल भेज रहा हूं, एक यूट्यूब का लिंक जो है आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 घंटे के आसपास की वीडियोज है लेटेस्ट एक्सेल के ऊपर। अब आप लोग जो है इस सारे वीडियोज को आराम से बैठ के देखें। अब मैंने बोला कि पूरी वीडियो देखना है, हो सकता है इसमें कुछ चीजें आपको पहले से पता हो, जो चीजें पता है उसको आप स्किप कर दीजिएगा, जो चीज पता नहीं होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्लास अगर आप 9 बजे का बैच ज्वाइन करेंगे तो ये अल्टरनेट डेट में होगा, मतलब एक दिन छोड़ के, आज होगी फिर कल नहीं होगी फिर परसों होगी फिर तरसों नहीं होगी, इस तरह से। बट सैटरडे एंड संडे दोनों दिन होगा, मंडे टू फ्राइडे में अल्टरनेट डेट होगा, बट सैटरडे एंड संडे में दोनों दिन में क्लास आपके लिए। बट सैटरडे संडे टाइमिंग चेंज रहेगा, ये रात के 9 बजे नहीं पढ़ाएंगे, दिन में क्लास आपको देंगे, दिन में या शाम में क्लास देते हैं, ठीक है।